तो दोस्तों प्लान में थोड़ा सा चेंज हो गया हमारा, हम जा रहे थे कोटी की तरफ, लेकिन वहाँ से जितनी हो सकती है उतनी सफाई करेंगे हम लोग। हाँ बस्ती को अपने उठाओ, चलो चलो। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप लोग? नदी किनारे बैठा हूँ, ठंडी ठंडी हवा चली है, अभी मज़ा आ रहा है, धूप भी लगी है ठीक ठाक। तो अभी फ़िलहाल मैं हूँ, देखिए यहाँ पर जो हेली टैक्सी सेवा चलती है उसके साथ ही यहाँ पर मैं इंतज़ार कर रहा हूँ अवस्थी और डीपी का। और हमारा कुछ प्लान बना है आज घूमने का, घूमने का मतलब हम जाएंगे कोठी तक जाने की सोच रहे हैं, पिकनिक स्पॉट है वहाँ पर छोटा सा, तो वहाँ जाने की सोच रहे हैं। फ़िलहाल तो अभी वो दोनों पहुँचे नहीं यार, वैसे आज फ्री थे हम लोग तो उस वजह से प्लान बना हमारा थोड़ा घूमने का। आज लास्ट दिन है हमारा फ्री, और उसके बाद अब पता नहीं फ्री कब होंगे। कंटिन्यू हमारे पास काफ़ी बुकिंग है आई हुई कुकिंग की, तो फ्री होने का मुझे लगता है काफ़ी लेट होंगे, अब मेले टाइम जब हमारा मेला होगा बैसाखी टाइम, उस टाइम हम फ्री होंगे। तो ये आज हमारा लास्ट ट्रिप है काफ़ी दिनों के लिए, इसके बाद हम ट्रिप में नहीं जाएंगे कहीं भी, काम होगा हमारे पास तो वैसा है। अभी मैं इंतज़ार ही कर रहा हूँ उनका, अभी आए नहीं वो दोनों, तो जैसे ही वो आएंगे अब निकल पड़ेंगे कोठी के लिए। तो आज मैंने अपनी जो यहाँ पर डिक्की लगी हुई थी वो भी निकाल दी है, तो बाइक काफ़ी अच्छा लग रहा है आज, स्लिम सा लग रहा है, पहले नहीं तो मोटा सा लगता था, अब स्लिम सा हो गया। और जो डिक्की की आवाज़ आती थी चलते हुए खड़खड़ की, वो भी नहीं होगी। अब तो इसकी चेन वगैरह भी ढीली हो गई थी, वो भी टाइट करवाई है। तो मैं जा रही थी अभी, चलते सच में, वो पता नहीं उससे आगे है कि पीछे है। तो दोस्तों प्लान में थोड़ा सा चेंज हो गया हमारा, हम जा रहे थे कोटी की तरफ, लेकिन वहाँ से अब मुड़ गए हम लोग जोगनी वाटरफॉल के लिए, क्योंकि बस ऐसे ही, क्योंकि मन किया नहीं। अवस्थी साहब जा रहे हैं हमारे आगे आगे गाइड जी, और हम अभी जोगनी फॉल की चढ़ाई चढ़ रहे हैं। बाइक हमने पार्किंग में लगा दिया नीचे, बाइक में ही आए तो यहाँ तक आए हम। तो अब करते हम अपना सफ़र कंटिन्यू। तो वो रहा जोगनी मंदिर, जो कि वशिष्ठ से आते हुए यहीं से होके आते हम लोग, लेकिन आज जा रहे हैं हम लोग भांग से होके, तो इस रास्ते से जाएंगे हम। यहाँ पर हमेशा से ही काफ़ी टूरिस्ट आते हैं। दोस्तों ये है जोगनी छोटा वाटरफॉल, अभी जो मेन वाटरफॉल है वो ऊपर दिख रहा है आपको, बड़ा हल्का सा दिख रहा होगा। अभी वहाँ जाएंगे हम लोग, तो वहाँ के लिए हम लोगों को इस रास्ते से जाना होगा, फिर ये पहाड़ी चढ़ के इस तरफ को यहाँ पे। लेकिन ये छोटा वाला फॉल यहाँ पर वैसे जाना मना है यहाँ पर, क्योंकि जो यहाँ जाने के लिए रास्ता बना हुआ है आगे जाके बहुत ख़तरनाक है। यहाँ सच बोलूँगा दोस्तों, मुझे लगता है कम से कम 3 आदमी मर चुके हैं इस फॉल के लिए, जाते जाते पैर फिसल गया और मर गए, क्योंकि नीचे बहुत पहाड़ी सी है और नीचे पहाड़ी के नीचे पत्थर है, बड़े बड़े पत्थर हैं, तीखे पत्थर हैं, तो मतलब अगर कोई गिर भी गया बाई चांस तो बचने की उम्मीद बहुत कम होती है उसकी। तो मैं यही आशा करता हूँ कि आप लोग इस फॉल में जाने की ज़्यादा कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि ख़तरनाक हो सकता है। ऊपर वाले फॉल में जाइए आप, बहुत बढ़िया है, रास्ता भी अच्छा है, और जाने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि मतलब अच्छा हुआ आप आ गए वहाँ पे, ऐसा लगेगा आपको। ऐसा है दोस्तों, आप ये डीपी अपनी ब्लॉग पूरा कर रहे हैं डीपी साहब, लेकिन हो नहीं रहा है, कई दिनों से इनका ब्लॉग पूरा नहीं हो रहा है, ऐसा है। अब चलते हैं ऊपर, बढ़ते हैं थोड़ा, क्योंकि यहाँ गर्मी हो रही है, और ऊपर फॉल के पास आप लोगों को पता ही होगा वही गर्मी नहीं होती, क्योंकि वहाँ पर सारी जो फॉल की ऐसी बौछारें आती है आपके ऊपर, तो आप पूरे गिल्ले हो जाते हैं।
भैया हेलो नाम ठीक है नहीं है पीछे वहाँ पर इंद्रधनुष दिख रहा है आप लोगों को मुझे दिख रहा है बहुत ही शानदार हम जितनी इस तरफ को जाएंगे तो इंद्रधनुष हमारे साथ साथ इस तरफ को आता है वहाँ भी काफ़ी सारे टूरिस्ट आए हुए हैं देखिए और यहाँ तो है ही है काफ़ी भीड़ है कितना कचरा कर दिया इकट्ठा हो काफ़ी कर दिया है इसमें से थोड़ा बहुत हमारा है और थोड़ा बहुत यहाँ जो फैला हुआ था उसको हम इकट्ठा कर रहे हैं तो जितनी हो सकती है उतनी सफाई करेंगे हम लोग हाँ बस्ती बोतले उठाओ बेटा बोतले उठाओ इस साइड कुछ नहीं है वैसे इस साइड तो साफ ही है इनको ऐसा करना मैश कर फिर आ जानी है अभी हो गया हमारा घर जाने का टाइम घर वापसी का टाइम और रास्ता अभी थोड़ा सा लंबा है दोस्तों तो हम चल रहे हैं वस्ती भी आ रहा है कह रहे हैं क्या दिखाना चाहिए कचरा कह रहे लोग क्या कचरा डालते हैं इतना देखो बोला इतनी अच्छी मतलब हमारी ब्यूटी है उसको ख़राब कर रहे हैं देखिए अब इतना कचरा हम ले भी कैसे जाएंगे बच्चे अरे क्या करना इसका देखो इतना सर चलो आएँगे हम किसी दिन नहीं जानते अभी एक दिन आएंगे पूरी बारी लेकर ना तब ले जाएंगे सारे इकट्ठा करेंगे 15 मिनट तो यहाँ पर हेली टैक्सी हो रही तो दोस्तों हम यहाँ थोड़ी देर बैठे थे यहाँ पे देखते हैं ज़रा आज का व्लॉग आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा अब मिलेंगे आपसे कल इसी समय एक नए व्लॉग में तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों अपना ध्यान ज़रूर रखिएगा हाय वंश कैसे हो क्या कर रहे हैं यहाँ पे अब मिली शॉपिंग हो रही है मिलेगी दिखा दो क्या लिया गोवा वाला वाओ पंगो है पंगो नहीं मैं बैठता हूँ क्यों इसमें बैठता हूँ काम करते हैं क्या काम करते हैं यहाँ पे जैसे एक ना ये